नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। सभी मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन को और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं आपसे फिर आगे की बात करूंगा। सबसे पहले बता दीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनअकैडमी के इस लार्जेस्ट लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दे रहा है जहां आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आवाज क्लियर है सर, वीडियो ऑडियो क्लियर है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न कराने का सोच रहा हूँ आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाए। वो क्वेश्चन कराने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे आगे के जो हमारा वैली कर्व बचा हुआ, समिट कर्व हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, कुछ के कुछ क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैली कर्व। ठीक है, समिट कर्व का जो जितने भी क्वेश्चन थे, किसी को कोई दिक्कत आ रही है जरूर कमेंट करें, आप पूछें, है ना। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आप जरूर करें। ठीक है, एक कल मैंने टेस्ट सीरीज दी थी आप लोगों को, कुछ क्विज कराए थे, कैसे लगे क्विज कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्विज जो हमने करे कल ट्यूजडे जो हमारा होता है, आप सभी को पता है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एवरी ट्यूजडे इज अ क्विज डे। ठीक है, उस दिन हम क्विज करते हैं, तो कैसा लगा वो क्विज जरूर बताइए कमेंट करके। तो हर दिन 2:30 बजे हम यहाँ पर मिल रहे हैं। फिलहाल अभी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, इसके बाद सॉइल स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, और शाम को 6:30 बजे हम मिलते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, जहां पर आपको डेली जुड़ना है मेरे साथ, जहां पे लर्निंग ऐप पर मैं एप्टीट्यूड का क्विज कराता हूँ। ठीक है, और एवरी ट्यूजडे, जैसे कल ट्यूजडे था तो कल क्विज हुआ था बहुत बढ़िया से, 4 से 5 अलग अलग क्विज मैंने कराए थे। 4 से 5 अलग अलग मैंने क्विज कराए थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कराया था, फ्लूड मैकेनिक का कराया था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कराया था। आई होप आपने उस चीज को एंजॉय किया होगा। और संडे को स्पेशल क्लास जो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। ये हो गई बातें, अब मैं बता देता हूँ आपको प्राइस के बारे में। देखिए, जो सब्सक्रिप्शन की प्राइस है वो अब फाइनली कितनी हो गई है। देखिए, अगर आप 1 साल की प्राइस की बात करें, जिसकी प्राइस है 30,250 रुपये, और इसमें आप अगर मेरा कूपन यूज करते हैं, कूपन है AC007, और ये कूपन आप लगाते हैं तो इसमें आपको 10% का ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं कि अनअकैडमी ने एक नए टाइम ड्यूरेशन इंट्रोड्यूस किया है, वो है 18 मंथ्स का, 1.5 ईयर, जिसमें 18 महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, और एक सब्सक्रिप्शन है 2 साल का। ठीक है, सभी टाइप के सब्सक्रिप्शन में आप जरूर हमारा जो कोड है वो जरूर यूज करें। हमारा जो कोड है AC007, इससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। जितना भी प्राइस होगा उसमें 10% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो जियोमेट्री डिजाइन की बात करें, उसमें लगभग लगभग हम एंड की तरफ पहुंच चुके हैं, काफी चीजें पढ़ चुके हैं, और सब चीजों को बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है ताकि आपको कोई कमी ना रह जाए और कुछ भी बचे ना। ठीक है, देखिए, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, नागपुर रोड प्लान, फर्स्ट ईयर 20 ईयर प्लान, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, आपको ये पता है। ठीक है, सारी चीजों को पढ़ा है, रोड प्लान जितने भी थे उनके क्वेश्चंस भी करे हैं। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट थी, इसमें फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था डेवलपमेंट का, ये सेकेंड और ये थर्ड, है ना। कौन से प्लान को क्या बोला गया, एक को नागपुर, एक को बॉम्बे, एक को लखनऊ, तो ये सब चीजों को मैंने डिटेल में लिया था। आप जरूर देखें इस लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और इसके मैंने फिर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी कराए। ठीक है, इसके बाद रोड पैटर्न की बात करें, किस किस टाइप के रोड पैटर्न होते हैं, कौन सा रोड पैटर्न यूज किया जाता है इंडिया में वाइडली, उस सब के बारे में डिटेल से बात हुई थी आगे बढ़ने से पहले। उसके बाद हमने अलाइनमेंट पढ़ा था, अलाइनमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट, किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर इसमें हमने जियोमेट्री की क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो भी वो पढ़े थे, फ्रिक्शन क्या होता है, स्किड स्किड क्या होता है, स्लिप क्या होता है, इनमें बेसिक जो बहुत छोटे छोटे माइनर डिफरेंस होते हैं उनके बारे में बात करी थी, है ना। फ्रिक्शन भी, लेटरल फ्रिक्शन भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन भी होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। ठीक है, चलिए, इसके बाद पेमेंट अनइवननेस क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपसे बातचीत की थी, आपको याद होगा बेटा, है ना, पेमेंट अनइवननेस के बारे में बात हुई थी। ठीक है, क्रॉस स्लोप, कैम्बर के बारे में बात हो चुकी थी, कैम्बर जो सेंट्रल लाइन के को राइज कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू इट्स एजेस, क्यों करते हैं, ड्रेनेज पर्पज के लिए, तो ये सब चीजें हम बात कर चुके थे। ठीक है, कैम्बर, शोल्डर के बारे में बात हो चुकी थी, ग्रेडियंट, क्रॉस स्लोप, सब बातें हो चुकी थी, है ना।
ये एन परसेंटेज है, तो एन परसेंटेज को मैं एन बाई 100 लिख रहा हूं, तो कौन सा वर्टिकल है कौन सा हॉरिजॉन्टल है, ये सब बातें हमने करी थी, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं या दूसरे दिन देख रहे हैं उनको ये पता चले कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो आपको वो लेक्चर देखना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अनुज चौबे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जाइए आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो कर्व्स पढ़ लिया था, शोल्डर पढ़ लिए थे, सब चीजें डिटेल में बात हो चुकी थी इनके बारे में। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड बताया था, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। पूरा क्रॉस सेक्शन एक रोड का कैसा होता है, रोड में क्या क्या चीजें होती हैं, सब बताई थी। इवन ये चीजें भी मैंने डिस्कस करी थी, कुछ भी नहीं छोड़ा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ टिपिकल इंपॉर्टेंट चीजें जो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूछी जाती हैं, जेई में भी पूछी जाती हैं, है ना, जिसके बारे में मैंने बात करी थी। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ये सब बातें बहुत डिटेल में की गई है बेटा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी आपको समझ आएगा कि आज के भी लेक्चर में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ट्रांजिशन कर्व, इन सब के कंसेप्ट लगेंगे। और जब इन सब के कंसेप्ट अब यूज हो रहे हैं, मतलब वो पता होना जरूरी है, ठीक है, उनके बिना आप यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे थे हमने वर्टिकल अलाइनमेंट में, समिट कर्व को पढ़ लिया था, है ना, एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी बताया था, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के बारे में बात करी, सेटबैक डिस्टेंस, ट्रांजिशन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ध्यान से देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा। अब ये हम बात करते हैं समिट कर्व की। देखिए, समिट कर्व हम पढ़ चुके थे, समिट कर्व का एक छोटा सा रिवीजन कर लिया जाए, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि दो दिन हो गए हैं तो भूल चुके होंगे अपन, है ना, अपन वैसे ही अपनी याददाश्त कमजोर होती है ना, तो छोटा सा एक रिवीजन समिट कर्व का बनता है ना। तो बताइए, समिट कर्व क्या होता था, क्या होता था समिट कर्व, सोचिए जरा सा, है ना, सब याद है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर एक पॉजिटिव ग्रेडियंट एक दूसरे पॉजिटिव या नेगेटिव से मिल रहा था, चलिए इसके पहले बता देता हूं कॉनवेक्सिटी और कॉन कैविटी के बारे में। समिट कर्व में हमने बोला था कि जो कॉनवेक्सिटी है वो ऊपर की साइड होगी, है ना, कॉनवेक्सिटी ऊपर की साइड होगी और कॉन कैविटी डाउनवर्ड साइड होगी, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। तो जो समिट कर्व है, कॉनकेविटी डाउनवर्ड साइड थी, कॉनवेक्सिटी अपवर्ड साइड थी, बिल्कुल सर यही था। फिर हमने बोला था, हमने निकाला था इसमें एन, एन क्या था, चेंज इन ग्रेडियंट, है ना, चेंज इन ग्रेडियंट। ये चेंज इन ग्रेडियंट क्या था, एंगल का जो चेंज हो रहा था, ठीक है, वो कैसे हो रहा था कि एक अपवर्ड को एक डाउनवर्ड से मिला दिया, एक अपवर्ड को एक फ्लैट से मिला दिया, तो उसकी वजह से जो चेंज रिफ्लेक्शन एंगल बन रहे थे उसके बारे में बात करी थी और बोला था कि ये जो रिफ्लेक्शन एंगल था ऑलवेज हमारा जो समिट कर्व है ऊपर की साइड बनेगा, याद है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, और इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे थे, फॉर्मूले एक बार मैं लिख दे रहा हूं ताकि फॉर्मूले आपको याद रहे। एक क्वेश्चन कराऊंगा समिट कर्व पे, उसके बाद मैं वैली कर्व की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, समिट कर्व की बात करें तो समिट कर्व के मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, सॉरी फॉर्मूले बताए थे आपको, केसेस थे उसके, तो फॉर्मूले क्या थे देखते रहते हैं। फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला था, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही, मिनी जी बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हैं और उनको काम भी आई ये चीज आगे, ठीक है। फॉर्मूला ये था कि अगर ये ऐसा है और ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, एक्स डिस्टेंस निकालनी है, ये वाई है, ये तो हम निकाल लेंगे स्लोप के थ्रू, ये एक्स डिस्टेंस निकालनी है, तो ये एक्स डिस्टेंस का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद होना चाहिए, एन वन अपॉन एन इंटू एस, याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एल एस क्या था, लेंथ ऑफ समिट कर्व, एन वन क्या था, पहले वाले का ग्रेडियंट, का ग्रेडियंट कितना है, और ये क्या था, चेंज इन ग्रेडियंट, ठीक है। गलत बोल दिया है, ये फॉर्मूले की बात करी अभी मैंने, अभी तो मैंने ये डिस्टेंस की बात करी है बेटा, है ना, ये टॉप की डिस्टेंस यहां से कितनी है, दिस वन, है ना, तो ये बात कर ली। अब मैंने बात करी थी, अब मुझे चाहिए ये वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए एल एस की वैल्यू चाहिए, है ना, एल एस की वैल्यू चाहिए। अब एल एस की वैल्यू चाहिए तो लेंथ ऑफ समिट कर्व है, ये अपना लेंथ ऑफ समिट कर्व है। केस वन देखते हैं, जब एल एस बड़ा है एस एस डी से, है ना, एस एस डी क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस छोटा है लेंथ ऑफ समिट कर्व बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो एल एस की वैल्यू क्या हो गई थी, एन एस स्क्वायर
एन एस स्क्वायर अपॉन टू अंडर रूट एच प्लस टू अंडर रूट एच का होल स्क्वायर। याद होगा ये फॉर्मूला बेटा, कुछ गलत तो नहीं लिखा है पहले ये बता देना मुझे, कुछ गलत तो नहीं लिखा है इस फॉर्मूले में? मुझे नहीं लगता कुछ गलत लिखा हुआ। ठीक है कोई, हाँ हाँ समझ गया मैं। ठीक है अब इसमें क्या हुआ था, ये जो कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यूज डिफाइन हो गई थी, है ना, इसकी वैल्यू थी 1.2, इसकी थी 0.5। अब ये थे क्या, ये था ड्राइवर से ऑब्स्ट्रक्शन रोड सरफेस तक की जो डिस्टेंस थी ड्राइवर के आई से वो, और ये ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट थी, है ना। लेकिन जब मैं ओएसडी पे गया था, ये तो एसएसडी की बात हो रही थी, अगर एसएसडी की जगह ओएसडी की बात हो जाए या आईएसडी की बात हो जाए तो चीजें बदल गई थी। तो फिर एच और एच दोनों की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1.2, यही हो गई थी ना, एक बार चेक कर लेता, है ना, सही है ना। तो ये हमारी बात हो गई थी फिर जब ओएसडी की बात करी जाए, ठीक है। और जब दूसरे केस की बात करी हमने, जब हमने दूसरे केस की बात करी, उस केस में हमने क्या किया था, एलएस को छोटा कर दिया था एसएसडी से, याद है कि नहीं याद है चीजें, एलएस को हमने छोटा कर दिया था एसएसडी से, तब जो फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा था, जब हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा था, लेंथ ऑफ समिट कर्व का ही फॉर्मूला था, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड हो गई थी 2s माइनस, और ये इस तरीके से बन गया था। इसी तरीके से फॉर्मूला था, ये हो गया था, सेम चीज है, सेम वैल्यूज पुट करोगे h और h की, है ना। तो h की वैल्यू कर दोगे 1.2, इसकी कर दोगे कितनी 0.15, यही था। और जब OSD की बात करोगे तो h बराबर h इज इक्वल टू कर दोगे 1.2। ये हमने टोटल डिस्टेंस, टोटल बात हमने अभी तक करी हुई थी, ठीक है, ये हमने अभी तक टोटल बात कर ली थी। फिर इस पर हमने एक न्यूमेरिकल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद ना हो तो एटलीस्ट ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, ये जो वैल्यू रख के जो फॉर्मूले आते हैं ये फॉर्मूले तो याद रखने ही है, बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, ठीक है। चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपसे करा लेता हूं, देख लेता हूं वो न्यूमेरिकल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा तो अच्छी बात है। ये वाला न्यूमेरिकल हो गया था शायद, है ना, करा दिया था, 250 आंसर आ रहा था, हो गया था न्यूमेरिकल, बिल्कुल सही, रिवाइज हो गया मिनी जी का सब, है ना, ये वाला न्यूमेरिकल हो गया था। चलिए बताइए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये वाला करिए आप, जो बच्चे नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ये एसेंड डिसेंडिंग लिखा हुआ है, ये देखिए, है ना, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मैं कराऊंगा, है ना, नहीं बनता है तो मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन एक रिविजन के लिए है आप लोगों के लिए, कर दोगे तो बहुत ही अच्छा है, तो नहीं कर पाओगे तो फिर मैं कराता हूँ। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, जी क्या आंसर आ रहा है, एन असेंडिंग ग्रेडियंट, एक असेंडिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है, जितना भी है मीट कर रहा है डिसेंडिंग ग्रेडियंट से, ठीक है, असेंडिंग ग्रेडियंट डिसेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, समिट कर्व इज टू बी डिजाइन फॉर अ स्पीड दी हुई है, 80 की एमपीएस, सो एज टू हैव एन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 470, है ना, 470 मीटर, तो बतानी है आपको, ओएसडी भी दिया हुआ है, तो समिट कर्व को हमको डिजाइन करना है, ठीक है, कोई बात नहीं ऋषि, अभी तक मैंने पूरा रिवीजन करा दिया है, कितना क्या पढ़ा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, देखते हैं बनता है कि नहीं। अब देखिए डिजाइन करना है तो जो हमने प्रोसेस करी है पूरी, वो प्रोसेस आपको करके दिखानी पड़ेगी एग्जामिनर को। डिजाइन का मैंने इसलिए लाया एक क्वेश्चन
कि जिससे ताकि आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कौन कौन से केसेस हम लगाते हैं, ठीक है, कौन कौन से केसेस लगाते हैं और क्या उनके फॉर्मूले हैं। मैंने अभी 10 मिनट पहले आपसे ये डिस्कशन किया है, ठीक है। आंसर बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे एन निकालना पड़ेगा आपको, मैं कर रहा हूं आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। एन निकालना पड़ेगा, एन निकालने के लिए एन वन है 1/100, असेंडिंग है 1/100 और ये डिसेंडिंग है, तो ये माइनस और माइनस वाय 1/20। इस तरीके से कर दीजिए और एन की वैल्यू बता दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे, है ना। अच्छा एक डाउट आया था, बहुत अच्छा डाउट है, बेसिक डाउट है, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा, एक बच्चे का डाउट आया, बहुत बेसिक है बट बहुत अच्छा है। उसने मुझसे पूछा, चलिए इसके बाद बता रहा हूँ उस डाउट के बारे में, बहुत ही बढ़िया, मैं आप लोगों से पूछूंगा वो डाउट, पहले आप लोग बताइएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। डाउट काफी अच्छा था, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो आंसर आया इसका कि नहीं आया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई होगी 1/100 प्लस 1/120 जितनी भी आ गई हो, सर 406 है क्या, नहीं 470 है दोस्त, 470 है, 470 मीटर है। तो यहां पर आंसर निकाल दिया है मिनी ने 0.015। अच्छा एन की वैल्यू बताई होगी, ये तो एन की वैल्यू बताइए, 0.015 आ रही है, ठीक है। चलिए अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, सफिशियंट टाइम दे दिया मैंने आपको करने के लिए, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, चलिए, है ना। सबसे पहले तो एन निकाल दो, एन आ रहा है इतना जिस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। अब हम पहला केस ले रहे हैं जिसमें एल ग्रेटर देन है ओएसडी से, है ना, एल ग्रेटर देन है ओएसडी से, तो कैसे, ये फॉर्मूला लगा दो, वैल्यूज निकाल दो और ये आंसर आ रहा है 422 मीटर। क्या निकाला है मैंने, लेंथ ऑफ समिट कर्व 345 बोल रहे हैं ये, देखते हैं नीचे वाले का शायद आ रहा हूं, नहीं बेटा कुछ गलती कर दी आपने, यहां पे गलती कर दी है, शायद यहां ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दी है, आपने एसएसडी लेके अगर कैलकुलेट कर दिया है तो आप गलत हो गए मिनी, अगर आपने एसएसडी लेके कर दिया तो आप गलत हो गए, ठीक है। चलिए ओएसडी का फॉर्मूला लगाना है, सीधा सा प्रश्न फॉर्मूला होता है, एलएस इज इक्वल टू एनएस स्क्वायर अपॉन 9.6, एन पता है, एन पता है 11/600, एस पता है दिया हुआ है 470, उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन 9.6, सीधा आंसर आ गया 422 मीटर, है ना 422 मीटर। अब मैंने क्या किया, अब मैं करूंगा दूसरा केस भी लूंगा, दूसरा केस भी लूंगा, ये ऐसा होगा ना शायद, ये ऐसा होगा गलती से ऐसा बन गया, है ना, दूसरा केस ये था उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला लगा के आंसर ये आ रहा है। अब दोनों में जो मैक्सिमम है कि मिनिमम, मैक्सिमम लेते थे कि मिनिमम, जल्दी बताओ, तो ये दो आंसर आपके आने चाहिए थे, वो तो बात की बात है बट ये दो आंसर को आने चाहिए थे, ठीक है। मिनिमम तो मिनिमम आंसर आपने क्लिक कर दिया और ये आंसर आ गया, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ करना था, है ना, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करना था, इजी था, बनना चाहिए था, गलत बात है कि नहीं बना, है ना, गलत बात है कि नहीं बना। चलिए आगे बढ़ जाए, बढ़िया कर लिया क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत क्वेश्चन में पूछ लो जल्दी से फिर मैं आगे बढ़ू। मैंने इसलिए करा दिया कि यार बच्चों के डाउट वाउट क्लियर हो जाए जो भी थे। हो गया, चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सबमिट कर्व और वैली कर्व, सबमिट कर्व खत्म हो गया, वैली देखिए, वैली कर्व को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा चीजों को। देखिए वैली का मतलब बताइए क्या होता है, इसका मतलब पता है क्या किसी को, वैली का मतलब क्या होता है,
वैली का मतलब होता है, अगर किसी को हिंदी में पता है तो घाटी। क्या होता है? घाटी, घाट से घाटी, है ना। हिंदी में हमारे साइड तो घाटी बोलते हैं, आपके साइड नहीं पता। घाट जो होते हैं दैट विल बी अ वैली। ऐसे भी आप याद रख सकते हो वैली कर्व का शेप। तो कुछ इस तरीके का शेप वैली कर्व का होना चाहिए, है ना। क्या दिखाइए, क्या देखना है ऋषि, बोलिए एक बार, दिखाइए क्या क्या देखना है। सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन देखना है क्या? डाउट, हाँ डाउट बताता हूँ क्या था बच्चे का, है ना। डाउट बताता हूँ, बढ़िया डाउट था। क्या दिखाइए क्या, अभी तो बता क्या बोल रहा है ये। मेरा था क्या, सबमिट कर। डाउट बच्चे का ये था, जो बहुत बढ़िया डाउट था। मैंने सोचा, मैंने बोल दिया था उससे कि यार यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सबको समझ आना चाहिए। हालांकि उसको वहां भी समझा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, चलेगा, 406 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। ठीक है, और ये था मेरा वैली कर्व। अब ध्यान से सुनो जो मैं बताने वाला हूं। उसने पूछा कि सर आपने बोला, दिख रहा है ना, आपने बोला कि समिट कर्व में मैंने बोला था कि इस डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या, सेल्फ वेट। बोला था ये बात। ये क्या था, पी मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। और मैं वैली में बोल रहा हूं कि सर ये इसी डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसी डायरेक्शन में लग रहा है सेल्फ वेट, है ना। एक्चुअली वो बच्चा कहीं और से पढ़ के आया था, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ से कैसे क्या पढ़ा था। तो उसने कहा था सर मुझे ये डाउट है, मैंने दोनों कर्व पढ़ लिए, फिर मैंने आपके लेक्चर देखे, तो मुझे ये समझना है कि ये कैसे हो रहा है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड लग रहा है और इसमें डाउनवर्ड लग रहा है, ये कैसे डिफाइन हुआ, ये कैसे डिफाइन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कोई बच्चा बता सकता है ये कैसे डिफाइन हुआ। मैं बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा, समिट कर्व में मैं बोल रहा हूँ समिट कर्व में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मैंने बता चुका हूँ। और आज मैं बोलूंगा कि जो वैली कर्व है उसमें सेल्फ वेट तो नीचे लग ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे की साइड लग रहा है। मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। समिट कर्व में मैंने बोला था कि उसका जो सेल्फ वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टोटल वेट है उसमें से माइनस हो जाएगा पीडब्ल्यू, अगर मैं इसका नेट निकालूंगा हो जाएगा W माइनस पी डब्ल्यू हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसका सेल्फ वेट बोलूंगा तो वो कितना होगा, P प्लस W। ये तो दिक्कत वाली बात होगी, बिकॉज वर्टिकल पॉइंट इज ऑलवेज बिलो कर्व। पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं बताता हूँ क्या है, पता नहीं सही भी बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला इसने। अब मैं बताता हूँ, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या होता है, बहुत ही बढ़िया रीजन दूंगा, जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। क्या, जब मेरा सर्कल होता है, जो कर्व होता है उसके आउटर साइड में लगता है, जो मेरा कर्व होता है उसके आउटर साइड में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। हम जानते हैं इस चीज को, जानते कि नहीं जानते? तो ये जो कर्व है इसका आउटर साइड तो ये हुआ ना बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? और इस कर्व के लिए आउटर साइड ये होगा। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी ये। अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैंने चीज को समझा दी थी, बट मैंने सोचा आप लोगों से भी पूछ लिया जाए, कितनों की ये चीज पता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये हमेशा आउटर साइड लगता है, लगता है बिल्कुल, आपको पता है ये चीज, हमने पढ़ा था। जो जैसे जिस मैं मूव कर रहा है उसके आउटर साइड लगता है सरफेस के, तो ये सरफेस है तो इसके आउटर साइड में लगा वैली कर्व के। समझ गए, समझ गए इस चीज को, समझ गए ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी बात करते हैं। अब हम वैली कर्व की बात करते हैं। देखिए वैली कर्व में मैं बोल रहा हूं इस तरीके से, तो इसकी जो कॉन्वेक्सिटी है, कॉन्वेक्सिटी है वो क्या हो गई, डाउनवर्ड साइड हो गई। कहाँ हो गई? डाउनवर्ड साइड हो गई। और कौन कैविटी कहाँ हो गई? अपवर्ड साइड हो गई।
क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ ये चीज? ये कौन सा कर्व हो गया? वैली, ऐसे ही बनता है, वैली का नाम भी ऐसे ही है और बन भी ऐसे ही रहा है। लास्ट में करूंगा मैं, नहीं उसको लास्ट में करूंगा, जो होमवर्क दिया था उसकी बात कर रहा हूँ, लास्ट में करूंगा, लास्ट में याद दिलाना। अभी आप फ्लो नहीं तोड़ते हैं, ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया, फ्लो नहीं तोड़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया वैली कर्व, ये क्या हो गया? वैली कर्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वैली कर्व के बारे में। वैली कर्व के भी चार केस बन रहे हैं, कौन कौन से? ए, ए बन रहा है जब नेगेटिव मीट हो रहा है नेगेटिव से। क्या हो रहा है? नेगेटिव मीट हो रहा है नेगेटिव से, मतलब एक तो नीचे जा ही रहा था, दूसरा और नीचे चला गया। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, है कि नहीं है? अब इसका देखिए कैसे बनेगा चेंज इन ग्रेडियंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ऐसे ही बनेगा चेंज इन ग्रेडियंट? ऐसे ही बनना चाहिए, और ये होगा एन, है कि नहीं? बात समझ आई? और ये एन क्या हो जाएगा? एन क्या हो जाएगा? माइनस एन वन माइनस माइनस एन टू। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन क्लियर होना आवश्यक है ना, क्लियर होना आवश्यक है चीज, ठीक है। यहां से दूसरा पॉइंट निकल आया, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्सिटी वाला पॉइंट हो गया, दूसरा ये हो गया कि एन ऑलवेज लाए बिलो दी वैली कर्व, ही हमेशा हमारा चेंज इन ग्रेडियंट बनने वाला है। देखिए यहां पर आपके ट्रांजिशन कर्व वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज होगा जब हम इसको ड्राइव करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलवेज लाए बिलो दी कर्व, चलिए ये हो गया। अगर मैं दूसरे की बात कर लूं, ये तो चलिए पहला हो गया, इसको मिटा देता हूं मैं, दूसरे कर्व की बात करूं, दूसरा ये था, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि जब नेगेटिव मीट हो रहा है फ्लैट से, बहुत ईजी है, आप बहुत ही ईजी हो जाएंगे, बट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये नेगेटिव जा रहा है और ये फ्लैट हो गया, अभी भी जो आपका ये जो बनेगा ऐसे ही बनेगा, ठीक है, बात समझ आ गई? थोड़ा सा और ऐसा रहेगा, ये ऐसा जाएगा, इससे फ्लैट टच होते हुए ऐसे चले जाएगा, है ना, समझ गया ना, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एन। अब एन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? माइनस एन वन, और ये सब जीरो, तो माइनस एन वन की इक्वल हो गया, बात समझ आ गई? अच्छा ठीक है, लेकिन वो रीजन नहीं है दोस्त, वो रीजन नहीं था उसका, ठीक है, वो जो आप उसका रीजन बता रहे हैं वो रीजन नहीं है। चलिए अगला पॉइंट में बात करूं, थर्ड वाले में बोल रहा हूं पॉजिटिव मीट नेगेटिव मीट, नेगेटिव मीट फ्लैट, अब नेगेटिव मीट पॉजिटिव, है ना, तो भी आप निकाल लोगे। और चौथा बोल रहा हूं, एक और क्या बच गया? पॉजिटिव मीट नेगेटिव। तो ये चीजें अब आप कर लोगे, मुझे कराने की जरूरत नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ रहा हूं, है ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लिया जाए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैली, देखिए सबमिट करके बता चुका हूं, वो 6.5-6 पॉइंट लिखवाए थे ऑब्जेक्टिव के लिए, अब लिखिए वैली करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कीजिएगा। पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो कॉनकेविटी है अपवर्ड और कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, अरे यार सर ये तो रट गया, क्या बार बार बोल रहा हूं, चलिए बढ़िया, रट गया तो बहुत अच्छी बात। सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं वर्टिकल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट लाए ऑलवेज बिलो द कर्व, बिलो कर्व, ये भी बहुत बार बोल चुका हूं, आप बोलेंगे सर ये भी बता चुके हो आप बार बार। अगला सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला सुनिए, वर्टिकल कर्व ऑलवेज डिजाइन फॉर एच एस डी। ये क्या बोला?
अगला जो मैंने बोला है ऑलवेज डिजाइन फॉर कंसिडर्ड टेकिंग एच एच डी, ऐसे लिखना कंसिडर्ड और टेकिंग एच एच डी इन डिजाइन ऑफ वर्टिकल कर्व, कौन सा कर्व, वैली, वैली वर्टिकल तो आपको पता ही है, वैली चल रहा है ना, वैली कर्व जो एच एच डी। अब ये एच एच डी क्या है, एच एच डी है क्या, देखिए इस तरीके से कुछ है मेरा वर्टिकल कर्व है ना, वैली कर्व, वर्टिकल बार बार बोल रहा हूं मैं, वैली कर्व। अब मेरा जो व्हीकल है, मेरा जो व्हीकल है वो यहां पे ही होगा, होगा इस तरीके से नीचे जा रहा है, तो इसकी जो हेडलाइट की जो डिस्टेंस होगी देखने की, जितना देख पा रहा है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ मैं फिगर और थोड़ा सा ठीक बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा मैंने बना दिया है आपको समझाने के लिए। चलिए तो ये जो हमारी वर्टिकल, जो हमारा जो व्हीकल है ये जितना देख पा रहा है, दैट विल बी एस एच एस डी थ्रू दी हेडलाइट एच एस डी, ठीक है, ठीक है। तो इसी को नाम दिया, ये जो इससे थीटा एंगल बनाएगा या बीटा एंगल बोलते हैं, बीम एंगल बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में और डिस्कशन होगा, तो इसको मैं बीटा एंगल के नाम से डिनोट कर रहा हूं एच एस डी, ठीक है, बिल्कुल हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो एच एस डी होता है नॉर्मल केस में हम एस एस डी के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि वैली कर्व किसके लिए डिजाइन होता है, तो हमें याद रखना है एच एस डी के लिए। तो अगर इसकी एच एस डी की डेफिनेशन लिखना है तो वो हो जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ ड्राइवर कैन सी थ्रू आउट थ्रू हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल। हेडलाइट के थ्रू जितनी ज्यादा दूर की मैक्सिमम डिस्टेंस ड्राइवर देख पा रहा है, दैट विल बी अ एच एस डी, दैट विल बी अ एच एस डी। चलिए हो गया ये बात, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए, अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रीजन बताइएगा, कितने पॉइंट हो गए हैं, तीन हो गए, चौथा पॉइंट लिखिए, सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट हैं, सीधे के सीधे पूछ लेंगे, इसलिए अपनी नोटबुक में जरूर इसको लिखिएगा। जो वैली कर्व है, जो वैली कर्व है ना, उसकी डिजाइन में, वैली कर्व डिजाइन, जब वैली कर्व में कंसीडर्ड किया जाता है किसको, ड्रेनेज को भी, जो ड्रेनेज की है, जो ड्रेनेज है उसके लिए भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब जब आप डिजाइन कर रहे हैं वैली कर्व को, तो ड्रेनेज को भी कंसीडरेशन में लिया जाता है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए जब मैंने समिट कर्व बनाया था, इस तरीके से बनाया था समिट कर्व, अगर यहां पानी आ रहा है ऑटोमेटिकली बह जाएगा, लेकिन इसमें जो हमारा वैली कर्व है, अगर पानी होगा तो यहां इकट्ठा हो जाएगा, तो हमें ड्रेनेज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है आप सभी के सामने, बहुत ही कम लोग इस चीज पे गौर करते हैं, रीजन पे तो कोई गौर करते नहीं, हालांकि रीजन बहुत ईजी है, जो चीज मैंने बताई बहुत ईजी है, लेकिन गौर भी तो करना पड़ेगा उस चीज पे, तभी आप उस चीज से अमल कर पाएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट सुनिए, ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे। अब जो अगला पॉइंट है उसके बारे में आप लोग आंसर देंगे, हमने क्या किया था जब समिट कर्व लिया था, तो क्या ट्रांजिशन कर्व को कंसीडर किया था, यस और नो में आंसर दीजिए, यस और नो में आंसर दीजिए। जब मैंने समिट कर्व के बारे में आप लोगों से बात करी थी, उसमें क्या हमने ट्रांजिशन कर्व का कंसीडर किया था, यस और नो, और नहीं तो क्यों, और अगर वैली कर्व में ले रहे हैं कंसिडरेशन तो क्यों, आप लोगों से ये आंसर चाहिए। मैंने ट्रांजिशन कर्व को बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है, आप लोग आंसर देंगे। अब देखिए, अब बात यहां ये आ रही है, मैं समझाता हूं, जिनको नहीं पता उनको मैं समझाता हूं, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ये चीज तो पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। देखिए बात ये हो गई, ये मेरा वैली कर्व है ना, वैली कर्व में मैंने बता दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे के साइड लग रहा है,
प्लस वेट तो लग ही रहा है, लग रहा है चीजें, है ना, नीचे की साइड लग रही है। अब क्या हो रहा है, इसमें सडन जर्क आने की पूरी पूरी संभावना है। सीधी सी बात है, जब ढलान में आप ऐसे जाओगे तो बिल्कुल 100% है कि सडन जर्क आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है, बिल्कुल संभावनाएं बनती है इस चीज की। तो इस चीज को ही ओवरकम करने के लिए तो हमने ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं किया था? तो भैया सिंपल सी बात हो गई, क्या हो गई, कि इन वैली कर्व मेड, वैली कर्व मेड मेड फुल्ली ट्रांजिशन, फुल्ली ट्रांजिशन, ठीक है, विथ इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख रहा हूं, विथ क्यूबिक पैराबोला शेप, क्यूबिक पैराबोला शेप, इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आपको याद रखना है, जब हमने समिट कर्व लिया था वो भी पैराबोलिक था, लेकिन कौन सा था, स्क्वायर, स्क्वायर था, स्क्वायर था, और ये क्यूबिक। और जब हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करी थी तो कौन सा आइडियल कर्व बोला था। तो ये तीनों चीजें याद रखनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी और पूछी जाती हैं और पूछी जाती रहेंगी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर एक और चीज आपको लगे हाथ लिख ही देता हूं, इस चीज को रट लीजिए, अभी आगे काम आएगी, कि जो क्यूबिक पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू, क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशन होती है एन अपॉन टू एल वी, एन अपॉन टू एल वी एक्स स्क्वायर, क्या है एन पता है, एल वी क्या है पता है, एक्स स्क्वायर क्या है थोड़ी देर में बात करता हूं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है याद है तो, है ना, थोड़ी देर में बात करता हूं एक्स क्या है, डोंट वरी, है ना, बाकी चीजें आपको पता है। तो ये हो गए पांच पॉइंट, पांचों पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर है, एक छठा पॉइंट वो भी बन जाएगा कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स नीचे की साइड लगता है, वो तो आप समझ गए, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स नीचे की साइड क्यों लगता है वो आप समझ चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपवर्ड साइड लगता है और जो टोटल होगा वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, इस चीज के बारे में बात कर चुका हूं, ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, आगे अभी काम आएगी। अब मैं लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट होगा ये वाला, यहां से जैसे उसमें हाईएस्ट था इसमें लोएस्ट होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला जैसे उसमें हमने याद रखा था इसमें भी आपको याद रखना है, याद रखना है। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, ये तो हो गया मेरे वैली कर्व के लिए, समिट कर्व के लिए फॉर्मूला क्या था, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, सर्कुलर के लिए क्या था, ये पॉइंट क्या आ गया, ठीक है, और ये आप समझ गए ये क्या है, मैं यहां पर बना देता हूं, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, समिट के लिए क्या था, जल्दी से रिवाइज कर लो, ये एन है ना, ठीक है, और ये एक्स है, रिवाइज कर लो फटाफट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो रही है सब, ये देखिए, अच्छा ये तो एल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, जाएंगे इस सब पे जाएंगे, टेंशन मत लो, बट अभी जो इतनी बातें करी हैं यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलिए बढ़िया, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक हमने बात कर ली एक्स तक के लिए, है ना, पोजीशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट निकाल दिया। अब मैं बात करूंगा ऑब्वियस सी बात है किसके लिए, इसके लिए बात करनी है, बाकी सब तो पता है, बस ये लेंथ ऑफ वैली कर्व क्या होता है ना। अब हम डिजाइन करेंगे फॉर लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ वैली कर्व, ठीक है, ठीक है, चलिए अब लेंथ ऑफ वैली कर्व को डिजाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसने दो क्राइटेरिया लिए, दो पैरामीटर लिए हैं, और मैं क्राइटेरिया से अच्छा वर्ड बोलूंगा पैरामीटर। पहला जो पैरामीटर है, पहला जो पैरामीटर है वो है एज पर
एचएसडी। अभी मैं पूछ रहा हूँ एचएसडी क्या है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। जो पहला पैरामीटर उसने लिया है वो लिया है एचएसडी, और जो दूसरा पैरामीटर लिया है एज पर कंफर्ट, है ना। ये दोनों प्राइम पैरामीटर लिए हैं, दोनों से क्या निकलेगी, दोनों से निकलेगी एलवी। अब मैं आप लोगों से एक और छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, दोनों के लिए निकाली लेकिन डिजाइन के लिए कौन सी लेंगे, मिनिमम लेंगे कि मैक्सिमम लेंगे, और क्यों मिनिमम लेंगे कि मैक्सिमम लेंगे। इसका आंसर जो आप क्यों बताएंगे उस पे पूरी डिजाइन टिकी हुई है। इसका जो आंसर आप बताएंगे मिनिमम है कि मैक्सिमम है उस पे पूरी डिजाइन टिकी है। इसका आंसर दो क्यों, जो भी आंसर दो विथ ये देना क्यों। क्यों रीजन चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए रीजन, क्या कारण है इसके पीछे का, कारण चाहिए मुझे। कारण बताओ, मिनिमम मैक्सिमम नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए इसका रीजन। मैं कंसेप्ट पे बात करता हूं, पिछले में मिनिमम क्यों लिया था, इसमें मैक्सिमम क्यों ले रहा हूं, उसका सीधा सा रीजन है। मैंने जो रीजन ट्रांजिशन कर्व में दिया था कि ट्रांजिशन कर्व में अपन ने जो तीन केस निकाले थे, कौन कौन से केस निकाले थे, तीन याद है, याद है तीन केस निकाले थे वहां पे, तो जो वो तीन केस निकाले थे वैसे ही उनमें से हमने मैक्सिमम लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि जितना ज्यादा भैया ये ट्रांजिशन कर्व रहेगा उतना बढ़िया कंफर्ट रहेगा, उतना कम जर्क रहेगा। क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है उसको अचानक से मुड़ गया तो उसके बीच में अपन एक कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं कि सडन जर्क ना हो। तो ये जितनी ज्यादा होगी ट्रांजिशन कर्व उतना कम सडन जर्क रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि देखिए अब वही बात पे हम बात कर रहे हैं, उसी बात पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें लेंथ ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारी बात होगी। अब हम बात करते हैं पहले केस के बारे में, इंपॉर्टेंट है केस, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दो केस की बात होगी, पहले करते हैं पहले केस की बात एज पर एचएसडी। है ना, उसके पहले आप ये याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू क्या था, एन अपॉन टू एल वी इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, यही थे ना जी, यही थे, है ना, ये इक्वेशन याद रखना है ना। चलिए वो तो मैंने ये लिखा था कि एन क्या है, इसको कुछ और मत समझ लेना, है ना, ये लो, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपसे बात करूं, एच एस डी डिफाइन कर रहा हूं जरा, एच एस डी क्या है, सॉरी एच एस डी केस में क्या बात हो रही है जरा ये देखते हैं। ये है अब मेरा व्हीकल है, ये है ना, इमेजिन कीजिएगा इन चीजों को, ये मेरा व्हीकल है, व्हीकल है मेरा। अब ये व्हीकल से ये जो एंगल बना रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है बीटा, क्या है ये बीटा, एंगल क्या है ये बीटा, ठीक है। और ये ही मेरी जो डिस्टेंस है, क्या यही डिस्टेंस मेरी एस होगी, क्या यही डिस्टेंस मेरी एस होगी, एस मतलब साइड डिस्टेंस, ये वाली एच एस डी यही होगी क्या, हेडलाइट से जितनी दूर मैक्सिमम तुम यही देख पा रहे हो क्या, इससे ज्यादा कुछ देख पा रहे हो क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बहुत डिटेल में इन चीजों को ले रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब अरे यार ये हवा में मैंने खड़ा कर दिया है, सॉरी ये हवा में कैसे खड़ा हो गया, कोई बोला नहीं कि सर ये हवा में कैसे खड़ा हो गया, हवा में नहीं खड़ा है वो व्हीकल, है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाइयों, यही डिस्टेंस क्या एच है, कौन सा एच, यही डिस्टेंस अपनी एच होगी, ठीक है, याद रखिएगा बस इन चीजों को बस, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं ये जो टोटल है यहां तक, दैट विल बी अ बाय वाई,
क्या हो गया है वाई, कैसे आया वाई, वाई कुछ दिक्कत नहीं है, अभी बताता हूं। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूं यू, ठीक है। तो यहां बना रहा हूं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया यू, ये तो मेरी एस है और ये मेरा बीटा है। समझ आई बात की नहीं आई, बस इतना बता दो। ठीक है, ये चीज समझ आई कि नहीं आई, ये वाला जो ट्रायंगल है मैंने यहां बना दिया, आ गई समझ में कि नहीं आई, ये यहां ट्रायंगल मैंने बना दिया है। और अगर मैं यहां से आप किसी यू का फॉर्मूला पूछूं, ये यू, तो आप बच्चा बच्चा बता देगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, बच्चा बच्चा बता देगा वैल्यू एस टेन बीटा, बता पाओगे। हालांकि देखिए इस डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, हमें जो फॉर्मूला याद रखने वो, बट कैसे आया मैं आपको ये बता रहा हूँ बस, है ना, क्योंकि आप लोग फिर बोलते हो सर डेरिवेशन, तो जिसका डेरिवेशन है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो यू की वैल्यू आ गई एस टेन बीटा, ठीक है। अभी मैंने आपको एक क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशन बताई थी, वाई इज इक्वल टू क्या बताई थी, एन टू एल वी इंटू एक्स स्क्वायर, और ये एक्स और एस इज इक्वल टू बराबर है एक्स और एस, है ना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वाई इज इक्वल टू एन टू एल वी एस स्क्वायर, क्लियर है। ये मुझे क्यूबिक पैराबोला से आया है, ये मुझे क्यूबिक पैराबोला की जो हमारी इक्वेशन होती है वहां से आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं एक और चीज, मैं पूछना चाहता हूं ये जो टोटल वाई है, ये टोटल वाई है, ये कहीं यू प्लस एच तो नहीं, ये कहीं एच क्या है, व्हीकल की हाइट, यहां तक की हाइट एच, और जहां पर यह हाइट खत्म हो रही है वहीं से स्टार्ट हो रहा है क्या यू, है ना। तो सर अगर ये ऐसा है तो y इज इक्वल टू हो गया s tan बीटा प्लस h, बताइए नौजवानों, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, जल्दी से पूछ लो यहां तक कोई दिक्कत है तो। अब दो इक्वेशन हो गई, एक y की ये, एक y की ये, दोनों की इक्वल टू पुट कर दो, lv की वैल्यू निकल आएगी, कोई दिक्कत, दोनों ये इक्वेशन वन है मान लो और ये इक्वेशन टू है, इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू पुट कर दो, है ना। अब जो निकल के आएगा दैट विल बी इंपॉर्टेंट, है ना, वो निकल के आएगा मेरा, वैल्यू पुट कर देना एस टेन बीटा प्लस एच इज इक्वल टू दिस दिस, है ना, चाहो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, बट वैल्यू निकल के आई एल वी इज इक्वल टू एन अपॉन टू एच प्लस 2s tan बीटा इंटू एस स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है, चलिए क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मैं यहां पे एक और चीज बदलने वाला हूं, क्या, एज पर IRC, ध्यान से देखिएगा, एज पर IRC H इज इक्वल टू मैं पुट करूंगा कितना 0.75 और बीटा इज इक्वल टू पुट करूंगा 1 डिग्री, बहुत छोटा होता है ना। तो आपको यह भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट एल वी का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, वो फॉर्मूला है दिस, एन एस स्क्वायर 1.5 प्लस 0.035 एस, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, और इसी को बस याद रखेंगे तो भी चलेगा, मैंने डेरिवेशन बता दिया है, नहीं बस इतना याद रखिए कैसे आया, डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है, समझ के रखिए कि कैसे आया। सर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ये क्या सिलेबस रिमूव हुआ है, कौन से एग्जाम के लिए भाई सचिन, पूरा तो बोलो, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं पहले ये बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गई मेरी बात एलवी की, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन से केस से आया, केस वन, और केस वन था क्या, केस वन था क्या, केस वन था एचएसडी, याद आया, तो
तो ये अपनी साइड डिस्टेंस हो गई, ये एन हो गया, ये एस हो गया। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत यहां तक? कमेंट करो जल्दी से दिक्कत है तो, नहीं तो मैं केस टू समझाऊं जल्दी से। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला देखो, इंपॉर्टेंट, ठीक है? ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से तो नहीं, मैंने सुना है वो लास्ट पार्ट है जो वहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं। सचिन, हाईवे से तो नहीं हुआ है जहां तक मेरी जानकारी में, और मैं आपने याद दिलाया तो मैं एक बार चेक करके कल बता दूंगा। सचिन जी, हाईवे से तो नहीं हुआ है, हाँ कुछ पार्ट ट्रैफिक से हुआ है, ये मैं चेक करूंगा, मैं श्योर नहीं हूं, काफी बच्चों ने मुझे बोला है, मैं चेक करके आपको बताता हूं, ठीक है, कल बताता हूं, ठीक है दोस्त, कल चेक करके बताता हूं। ऋषि तुम श्योर हो पेमेंट मटेरियल हट गया है? श्योर हो? 100% श्योर होगा? श्योर हो क्या ऋषि? आप बोल रहे हैं पेमेंट मटेरियल हट गया तो 100% श्योर हो तो बता दो, अगर श्योर नहीं हो तो मत बोलना, बताइए जल्दी। देख के बताओ जरा, एक बार चेक करके बताओ, क्योंकि मैं कल पेमेंट मटेरियल ही लाने वाला था, मैं कल पेमेंट मटेरियल ही लाने वाला था कि आज जो बिटुमेन और एग्रीगेट के टेस्ट है उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम डिजाइन ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, फिर डिजाइन ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद ये सीबीआर टेस्ट वगैरह सब पढ़ के, डिजाइन ऑफ पेमेंट पढ़ के फिर हम जाएंगे कहाँ पे, हाँ जो ट्रैफिक की जो है डिजाइन, जो सिग्नल डिजाइन, ये सब चीजें उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए, खैर, इसके बारे में हम बात करें अब केस टू के बारे में। केस टू में क्या होगा? ये हो गया केस वन, अब आते हैं केस टू पे। केस टू की बात करें तो केस टू पे हमने क्या बोला है? एज पर कंफर्ट, और कंफर्ट की जहां बात आ गई मतलब यहां पे बात आ गई ट्रांजिशन कर्व की, कंफर्ट मतलब ट्रांजिशन कर्व, बात समझ आ गई? कुछ रिमूव नहीं हुआ है सर, वही है मैं बोल रहा हूं, देखिए यहां पर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, जो ऋषि ने फालतू डरा दिया, पता है ऋषि मैंने पूरा तैयार कर लिया एग्रीगेट टेस्ट वगैरह के बारे में डिटेल में बताने के लिए, क्योंकि ये जेई वगैरह एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना? दो मिनट बात कर लेता हूँ फिर ये केस टू पढ़ाता हूँ। तो लेकिन मैंने सुना वो जो हॉवर्ड और जो टनल वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं चेक करके बताऊंगा, है ना? वो वाला पार्ट, वो एयरपोर्ट वाला जो था ना, कुछ ऐड हुआ है कि हटा है मुझे नहीं पता, मैं देख के बता पाऊंगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। कल ला रहा हूं, एक ही दिन में 2 घंटे में सारा कुछ पढ़ा दूंगा, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पता है वो चीज है ना दूसरे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, गेट में कम आता है, गेट में पेमेंट डिजाइन ज्यादा आता है, वो मटेरियल के बारे में कब आता है, लेकिन पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम कोट, टेक कोट, याद है सील कोट, और एक्सपांशन जॉइंट, याद है ये सब चीजें, लेटरल जो भी जॉइंट वॉइंट है सब पढ़ने वाले हैं वो चीज, ठीक है? उसके बाद में जाऊंगा वो उस पर, बाकी सब चीजों पर, है ना? अच्छे से पढ़ूंगा, पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे। बहुत लेट आए राजकुमार जी, बहुत ज्यादा लेट आए, है ना? तो बहुत जल्द कल से स्टार्ट हो रहा है बिल्डिंग मटेरियल के, जो बिल्डिंग मटेरियल नहीं सॉरी, जो हमारे हाईवे के जो मटेरियल है बिटुमेन, और इनके बारे में हम थोड़ा एग्रीगेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनके टेस्ट जो भी हैं सीबीआर टेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ूंगा, और ये जो जॉइंट है प्राइम कोट, टेक कोट, एक्सपांशन जॉइंट, ट्रांसवर्स जॉइंट, इनके बारे में भी विथ एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है? बहुत जरूरी है, उसके बिना काम हो ही नहीं पाएगा, बहुत जरूरी है। चलिए अभी ये जरूरी है, अभी इसको देखते हैं। अब मैं बात कर रहा था कंफर्ट के हिसाब से, देखिए कंफर्ट में मैं ये बात कर रहा हूं, हमने ये बोला है कि ये जो है ये मेरा एलवी है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए नोट्स में तो प्रॉपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो हाथ से बनाता हूं ना, भले उसकी हैंडराइटिंग खराब हो, लेकिन आपके जीवन
आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, आपको यही चीजें याद ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। जो अच्छी अच्छी बुक में बहुत अच्छे से लिखा है वो तो ठीक है, मैं जो इस तरीके से बनाता हूं ना, ये चीजें आपको याद रखेंगे। चलिए, ये क्या है इस बात को समझिएगा। और एक और बात जो किसी भी बुक में नहीं दी है, मैंने तीन बुक आज छानी, तीन बुक में छानी, मेरा डाउट था वो, ये मेरा पर्सनल डाउट था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन किसी भी बुक में उस डाउट को क्लियर नहीं किया। मैं डाउट क्लियर करूंगा और गेट में आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं उस डाउट से, देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिखी है ऋषि चौबे की, ठीक है। तो मैं जो लास्ट में बताऊंगा इस लेक्चर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। मैं डाउट बताऊंगा, मेरा डाउट था कॉलेज टाइम में, ठीक है। तो ये है डाउट, डाउट नहीं, ये है कि ये जो वैली कर्व है ये बना है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एल वी इज इक्वल टू टू एल टी, ये बोल सकता हूं, या बोल सकता हूं एल टी प्लस एल टी इज इक्वल टू एल वी, बताइए कोई दिक्कत। ये सेकेंड केस चल रहा है, पहला केस नहीं चल रहा है, पहला केस चल रहा है, सेकेंड केस नहीं चल रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ जो वैली कर्व होने वाला है वो सम होगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का, टू इंटू एल टी। तो हर बुक में इस तरीके से दिया है, ठीक है, टू इंटू एल टी, ठीक है। क्लियर है ये बात कि नहीं है, क्लियर जल्दी बताओ, है ना। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल देना है, जो मैंने पढ़ चुके हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो जल्दी से क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का, जल्दी बताओ। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्या बात है ऋषि, याद है, बहुत बढ़िया, याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने ये कब पढ़ा था, तीन केस में से एक केस पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, याद है कि नहीं याद है, देखो अब जिनको नहीं आता है वो भूल रहे, सीए लिख रहा हूं इसको, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है। अब मैं अगर एल टी अपन सी आर हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब मैं अगर क्या करूं, ये मेरा जो ट्रांजिशन कर्व है ये इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है ना, इसी तरीके से जा रहा है, ये एन है, ये एन है, ये मेरा रेडियस आर है और ये एल टी है कि नहीं है, यही चीजें हैं। तो क्या मैं आर इज इक्वल टू एल टी अपॉन एन लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हमें पता है एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से मैं रेडियस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आर्क एल टी अपॉन एन। अगेन ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो इंपॉर्टेंट है, बट मैं समझा देता हूं सारी चीजें। ये क्लियर है कि नहीं है यहां तक, जल्दी बोलो। देखो फिर से बता देता हूं, जो मेरा वैली कर्व है, सेकंड केस की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने एज पर कंफर्ट कंडीशन लिया है, एज पर कंफर्ट कंडीशन में मैंने बोला है कि जब एल टी को मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन कर्व से दो ट्रांजिशन कर्व मिलके मैंने वैली कर्व बनाया है, वैली कर्व के लिए मुझे ट्रांजिशन कर्व की लेंथ पता होनी चाहिए, वी क्यू अपॉन सी आर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हमने बताया आर इक्वल टू मैंने एल टी अपॉन एन लिखा है, ये आर इज इक्वल टू कैसे लिख दिया, ये रेडियस है, ये एंगल है एन और ये एल टी है, तो मुझे पता है एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा ये आर्क अपॉन एंगल। क्लियर है ये चीज, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। अब ये वैल्यू जो मेरी आई है आर की, यहां पुट कर दो, आर की जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो, तो एल टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू अपॉन सी एल टी अपॉन एन, हो जाएगा ये चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये एग्जाम में मैं बताऊंगा गेट एग्जाम में कैसे घुमा कर पूछा जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, गेट में घुमा के पूछा जाएगा, लास्ट में बताऊंगा। और वीडियो अगर मेथड अच्छी लग रही है मेरे पढ़ाने की तरीका, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ना, वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलिए तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट विल बी आ अंडर रूट एन वी क्यू अपॉन सी,
अब देखिए जिन्होंने मेरा लेक्चर बिल्कुल शुरू से देखा है वो बता देंगे, तो मुझे बताओ एज पर केस टू, जो मेरा केस टू था उसके हिसाब से एल वी क्या हो जाएगा, क्या ये टू इंटू एल टी नहीं हो जाएगा? मैंने बोला है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का डबल होगा क्या, लेंथ ऑफ वैली कर्व होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एल वी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टू इंटू एन वी क्यू अपॉन सी, ये देख लो। हो जाएगी, आ गया यार, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अभी इसको देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, होगा। तो बस यही तो आंसर है, ये हो गया मेरा केस टू एज पर कंफर्ट कंडीशन, ठीक है। अब एक चीज यहां पे जो बच्चे गलती करेंगे, फॉर श्योर सी की वैल्यू आपको यहां याद रखनी पड़ेगी, जब हम वहां थे वहां के लिए बता दे रहा हूं, सी की वैल्यू हम निकालते थे 80 अपॉन 75 प्लस वी, याद है, लेकिन वो ट्रांजिशन कर्व था जिसमें स्पाइरल था, तो लेकिन यहां क्यूबिक है, तो आपको सी की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी रहेगी या फिर अगर नहीं दी हो तो 0.6 मीटर, अब यूनिट क्या थी याद है, मीटर पर सेकंड क्यूब, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा जी, बिल्कुल है ना, इस चीज को याद रखिएगा, है ना, ये नहीं होगा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, चलिए ये चीज समझ आ गई, ये फॉर्मूला लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा, फॉर्मूला लिख लो ये वाला जिन्होंने नहीं लिखा अभी तक, जल्दी से फॉर्मूला लिख लो ये वाला, हो गया। चलिए एक चीज बताना भूल गया हूं, ये फॉर्मूला लिख लिया होगा, इस पर मैं दोबारा एक बार रिवीजन करूंगा इसका, है ना, एक बार और रिवीजन होगा इसका, पूरे का एक बार रिवीजन होगा। देखिए एक चीज यहां पर रह गई है, रह ये चीज गई है, बताता हूं क्या है, देखिए हमने लिया था एच पर एच एस डी, लिया था एच पर एच एस डी लिया था ना पहला, हाँ एच पर एच एस डी लिया था, इसमें एक फर्स्ट केस हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, ये फर्स्ट था, इसमें मैंने ये फर्स्ट पढ़ा था एच पर एच एस डी में, कि जो एल वी है वो बड़ा था, एल वी बड़ा था एच एस डी से, हाँ तभी तो ये अंदर है। देखो कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, मैं बता देता हूं, जो मेरा ये है, जब ये लेंथ ऑफ वैली कर्व है, ये पूरा ये लेंथ ऑफ वैली कर्व है, ये किसकी बात हो रही है, एच एस डी वाले कंडीशन की बात हो रही है, तो उसमें जब ये व्हीकल यहां है तो ये इसकी एच एस डी ये हो गई, ये हो गई एस डी और ये हो गई एल बी, तो जो एल बी है बड़ा है एस डी से, एक ये केस हो गया, ये किसके लिए बात हो रही है, एच एस डी, जो लेट जुड़े हैं पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे, लेकिन इसमें दूसरा केस भी तो आएगा, जो फर्स्ट था उसका एक दूसरा केस भी आएगा, दूसरा केस क्या बनेगा, लेंथ ऑफ वैली कर्व इज शॉर्टर देन एच डी, ये बात समझ आई, ये बात समझ आई बच्चों, आई कि नहीं आई? तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या था बेटा, इसका मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था अभी जल्दी बताओ, पहले इसका, जब ये ऐसा केस बन रहा था, जब ये ऐसा केस बना कि जो एल वी है बड़ा है एस डी से, तो मेरी एल वी की वैल्यू निकल के क्या आई थी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, आपको पता होगी, याद कर लोगे इस चीज को, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, एन एस स्क्वायर 1.5 प्लस 0.035 एस, यही था क्या मेरा एल वी, यही था मेरा एल वी। अब देखो सिमिलर है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जो पिछले में हमने काम किया है इसमें क्या हो जाएगा, एल वी, ध्यान से देखिएगा, बस वो एक दिन आप पूछ रहे थे सर ये 2s कैसे कर दिया, माइनस सेम चीज, मन में बोल रहे एक बार 0.035s अपॉन, आगे बात समझ में कि नहीं आई? अब एक और चीज मैं बोल दूं, यहां पर h भी हो सकता है, यहां पर h भी हो सकता है 2h, ये कैसे हुआ 2h हुआ,
एच की वैल्यू मैंने 0.75 पुट करी तब तो जाके 1.5 हुआ। बात समझ गए, बात समझ गए। अरे केस टू कैसे पॉसिबल होगा वैली कर्व में, बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए पूछ लेता हूं, बता देता हूं। ये वैली कर्व है, अभी बाहर ही है हमारा, हमारा ये अभी ये बाहर ही है, और तब ये लेंथ ये निकालना चाह रहा हो, तब ये निकालना चाह रहा हो तब के लिए ये, ठीक है। मतलब ये अभी अंदर घुसा नहीं है इसमें, बात समझ रहे हैं, जब ये इसमें घुसा नहीं है तब की बात हो रही है। एक कंडीशन बन सकती है, कोई पूछ लेता कि सर आप तो यहां का निकाल रहे हो बाहर है तो क्या, तब की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए जल्दी पूछिए क्वेश्चन क्या था, अभी रुक जाओ क्वेश्चन, अभी नहीं अभी नहीं अभी अभी क्वेश्चन मत पूछो, मुझे अपनी बात पूरी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकंड केस, केस वन का फर्स्ट पार्ट हो गया दिस वन, कहां गया दिस वन, केस वन का सेकंड पार्ट हो गया दिस वन, 2s माइनस 1.5 प्लस 0.67, ठीक है। सेम तरीके से ड्राइव होगा, कुछ भी नहीं है, है ना। और इसमें एक और चीज मैं लिख ही देता हूं, 2s माइनस 2h प्लस 2s tan बीटा अपॉन n, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। फिर यहां h की वैल्यू पुट कर दी और ये चीज आ गई है बस, है ना, tan बीटा में 1 डिग्री पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है, चलिए, है ना। और ये हो गया मेरा केस टू, जिसमें मैंने बोला है LV जो है 2 टाइम्स है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के, और LV की वैल्यू जो आ रही है 2 इंटू NVQ अपॉन CR, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे आया, हम पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन कर्व में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होता है कि VQ अपॉन CR, क्या होता था VQ अपॉन CR। अब मैंने पूछा आपसे कि रेडियस को मैं कैसे लिख सकता हूं, रेडियस को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आपने बताया सर आर्क अपॉन रेडियस एंगल को लिख सकते हैं, तो रेडियस को क्या लिख दूंगा, आर्क अपॉन एंगल, ये एन एंगल ये आर्क, तो ये वाली वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, इस वाले फॉर्मूले में आर की जगह पुट कर दी, और ये निकाल के एल टी की मैंने वैल्यू निकाल ली, और ये एल टी की वैल्यू को मैंने किसके इक्वल कर दिया, एल वी इज इक्वल टू 2 इंटू एल टी, बात समझ आई, ठीक है, हो गया। चलिए अब जिसके जो डाउट है पूछ लो, और ये दो केस हो, अब जिसके जो डाउट है जल्दी पूछ लो फिर मैं आगे बढ़ू, कोई डाउट है बच्चों के जल्दी पूछो, क्या डाउट है, नहीं ऋषि को डाउट है ना, आपके डाउट क्लियर हो जाए फिर मेरा एक डाउट है, अब फिर एक मेरा डाउट है जो मुझे कॉलेज में था मैंने बताया, और शायद ही वो किसी बुक में मिले, सर एक क्वेश्चन में वीपीआई एंड वीपीसी, ये वीपीआई वीपीसी हैं क्या, पहले ये तो बताओ ये वीपीआई वीपीसी हैं क्या, कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। चलिए पहले पूरा क्लियर क्वेश्चन ग्रुप में डाल देना, अपन देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए, ये सब बातें होंगी, मैं आपसे कर रहा हूं सेकंड केस के बारे में बात। सेकंड केस में ये था, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड केस में ये था, सेकंड केस ये था कि जो ट्रांजिशन कर्व से मिलके बननी चाहिए, है ना, मिलके बनी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोल दिया लेंथ ऑफ वैली कर्व 2 इंटू एल टी, है ना। अगर ये तो आपने बोल दिया, क्या ये हमेशा पॉसिबल है, या तो यस है या नो है, आप बताइएगा किस बुक में ऐसा लिखा है, क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमेशा इक्वल हो, यहां पे जो एल टी है वही ऐसा हो, कभी किसी ने सोचा इसके बारे में। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों ये एल टी दोनों साइड बराबर है, ऐसा कैसे हो गया, क्या ये हमेशा पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल है, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, और कोई बोल रहा है, और कोई एग्री कर रहा है सुरेंद्र जी की बात से, क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, नहीं नो, कुछ यस बोल रहे हैं कुछ नो बोल रहे हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ये मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने सर से, ठीक है, मैं अब आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या ये हमेशा पॉसिबल है, अगर नहीं है, अगर यस आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं, गेट में कुछ नहीं पूछेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो सर मैं फिर कैसे पुट करूंगा, फिर मैं तो मेरे पास तो मुझे तो लेंथ ऑफ वैली कर्व चाहिए, तो सर मैं 2 इंटू एल टी करने वाला हूं तो कौन सा एल टी पुट करूं, तो मैं
अभी तक किसी ने सेटिस्फेक्टरी आंसर नहीं दिया। मैं बोल रहा हूं रेडियस से सेम बोल रहे हैं ना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये सेम नहीं है और कभी अलग अलग रेडियस आ गई तो क्या करोगे? सर अगर कभी अलग अलग रेडियस आ गई जो कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं और गेट में पूछे जाने की, देखना ऐसे क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं घुमा के। मैंने एक क्वेश्चन बढ़ाया था आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, अपन ये मानते हैं, ये मानते हो कि ये यहां तक ऐसा है फिर ये स्ट्रेट हो गया, उसने बोला था पूरा स्ट्रेट कर दें, तो इस प्रकार के क्वेश्चन गेट में बहुत आते हैं, हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो वो ये करेगा, इसकी रेडियस अलग कर देगा, इसकी रेडियस अलग कर देगा। हालांकि क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है लेकिन वहां आपका दिमाग नहीं चलेगा, मैं श्योरिटी से बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं पता होगा कि यार ये दो रेडियस क्यों है, क्योंकि वो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एवरेज नहीं निकालेंगे, बिल्कुल एवरेज नहीं निकालेंगे। सुनिए मेरी बात, यही अपना आप सोचे यहां नहीं चल रहा है तो वहां कैसे दिमाग चलेगा, अब बात समझ रहे? तो गेट में वहां पे एक तो प्रेशर होता है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमें चीजें आते हुए भी नहीं बनती। अब मैं जो बता रहा हूं बोलोगे अरे सर ये तो क्या है, ये तो कोई भी कर देगा, लेकिन एग्जाम में आप नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं किसी बुक में दिया? ऐसी बहुत सी चीजें अभी तक हो गई जो बुक में नहीं दी है, मैंने कई बार आपको बताई। चलिए, हो सकता है किसी बुक में दी हुई, मैंने जिनमें पढ़ी उनमें नहीं दी है, ठीक है। देखिए ये था, सपोज ये मान लेता हूं मैं एल, ये रेडियस अलग है तो ये आ जाएगा LT1, LT2, बस। तो ये जो LT1 आ गया, LT2 आ गया, तो जब आप LV निकालो तो कुछ मत करो, 2 इंटू की जगह ये कर दो। अब बच्चे बोलेंगे अरे यार कोई बड़ी बात बोली क्या सर आपने, कुछ बोला है क्या इसमें? लेकिन मैं बता रहा हूं अगर एग्जाम में आ जाता तो आप नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कि आप कर नहीं सकते, वो प्रेशर वो माहौल में आपको ये सूझ में नहीं पड़ेगा। कोई लार्ज वन वार्ज वन नहीं बेटा, ऐसे निकाल देंगे LV ऐसे निकाल दो, कुछ नहीं करना है, बस ये कर देना। हम करते क्या थे, LT+LT ही तो कर रहे थे, अब उसकी जगह 1-2 कर दिया। बात समझ आई कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और प्लीज मुझे बताना अगर किसी बुक में दी हुई है, अगर किसी बुक में चीज दी है तो प्लीज मुझे बताना, है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? ज्यादा दिमाग, हाँ बिल्कुल, कम दिमाग में अपना काम हो रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने के, जितना बोल रहा उतना करेंगे अपन क्वेश्चन में, ठीक है। बात क्लियर होगी कि नहीं, कोई दिक्कत? ये मैंने अपनी पीपीटी में भी नहीं डाली ये चीज अभी तक, तो पीडीएफ में मेरे नहीं है ये चीज, दिक्कत है कोई तो पूछ लो जल्दी से, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। जल्दी बता दो बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो ये बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूं और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, देखते हैं कितने बच्चों से बनते हैं। चलिए, पहला न्यूमेरिकल तो इजी है, सब कर लेंगे उसको, उसके बाद मैं थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल दूंगा। करने के लिए तैयार हो? न्यूमेरिकल डर तो नहीं लग रहा है? एक बार रिवाइज करना है क्या टोटल पूरा, एक बार पूरा रिवाइज करना है, एक बार रिवाइज कर लूं पूरा, दोनों वैल्यू और सेगिंग वैल्यू और कौन सा था सबमिट कर, दोनों रिवाइज करना है कि क्वेश्चन कराऊं? जल्दी बताओ, या 5 मिनट में पूरा रिवाइज करा के फिर क्वेश्चन कराऊं? अरे जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत बिजी है, बाद में होना है कि नहीं? क्वेश्चंस, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए वो दिमाग लगाना है, कंसेप्ट में दिमाग लगाना है, बट ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये हो जाएगा तो। गेट की बात कर रहा हूं, एग्जाम में अभी जितना दिमाग लगाने लगाओ, जब गेट में बैठे हो तब दिमाग नहीं लगाना है। गेट में आपको बैठ के क्या करना है, सिर्फ जो आता है उस पर काम करना है। गेट में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि हम ये नई चीज कर लें, कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, है ना, क्विक रिविजन, एक बोल रहा है क्वेश्चन, एक बोल रहा है क्विक रिवीजन, एक और बोल दे कोई पोल में, एक और बच्चा वोट करते तो मैं उस हिसाब से काम करूं। चलिए, मेरा मन भी करता है एक बार क्विक रिवीजन हो ही जाए, है कि नहीं, एक बार हो ही जाए क्विक रिवीजन 5 मिनट में। चलिए, क्विक रिवीजन ऐसे है, देखिए क्विक रिवीजन ये था कि हमने दो टाइप के ग्रेडियंट पढ़े थे, है ना। पहले तो एक पढ़ा था मैंने वैली कर्व और एक पढ़ा था समिट कर्व, है ना। उसके पहले मैंने ग्रेडियंट भी बताए थे, रोलिंग रूलिंग बताया था और लिमिटेड बताया था, मैक्सिमम बताया था मैंने, इस तरीके से
अच्छा सही है ना। तो चलिए, तो इस प्रकार से मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले अपने वैली कर्व समिट कर्व के बारे में, है ना, समिट कर्व के बारे में। चलिए, समिट कर्व क्या बोल रहा था, समिट कर्व बोल रहा था कि जब जब वो प्यार किया तो डरना क्या नहीं बोल रहा था, बोल रहा था जब कॉनवेक्सिटी ऊपर की साइड हो और कॉनकेविटी नीचे की साइड हो तो उसकी वजह से जो कर्व बन रहा है वो समिट कर्व बन रहा था। एक चीज इसमें बोला था स्क्वायर पैराबोला यूज किया जाता है फॉर इजी कैलकुलेशन, दो चीज। और इसने बोला था क्या, ट्रांजिशन कर्व की जरूरत नहीं है, नो ट्रांजिशन कर्व। और एक चीज बोली थी कि जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है वो ऊपर की साइड रहेगा, रीजन बता दिया क्यों, और जो वेट रहेगा वो नीचे की साइड रहेगा। ये बातें हो गई, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऊपर की साइड और जो वेट है नीचे की साइड, उसकी वजह से वेट जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इतनी बातें करी थी। चलिए, अब मैंने एक और चीज यहां बताई थी कि जो ये पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हमने निकाली थी एक्स, और वो डिस्टेंस कितनी आई थी, एन वन अपॉन एन इंटू एल एस। अब यार ये एन नहीं बताऊंगा क्या है ना, ये एन नहीं बताऊंगा, मतलब पूरा डिटेल में ऐसे बता दे रहा हूं, चेंज इन ग्रेडियंट, चेंज इन ग्रेडियंट है, और ये कैसे आ रहा था पता है, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, चलिए इस तरीके से हो गया था, हमने पढ़ा था। अब इसमें हमने दो केस की बात करी थी, दो केस कौन कौन से लिए थे बच्चों जल्दी बताओ। पहला केस लिया था जब लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन फ्रॉम एस डी, यही था पहला केस। और इसमें एल एस की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी एन एस स्क्वेयर अपॉन टू, यही आ रही थी। ठीक है, और यहां पर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट थी, एच की वैल्यू जो हमने 1.2 ली थी और एच की वैल्यू ली थी 0.15 शायद ना, 0.15 ही थी। तो एच क्या था, जो रोड सरफेस है उससे जो ड्राइवर की आंख की डिस्टेंस है वो, और जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो रोड सरफेस से कितना है, दैट विल बी एच। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसमें भी दो चीजें थी, एक थी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जहां पे ये कंसीडरेशन था, फॉर्मूला सेम है, केस सेम है, लेकिन अगर ओएसडी को कंसीडर किया जा रहा है तो ओएसडी में मैंने क्या बोला था, ओएसडी या आईएसडी में ये जो एच की वैल्यू है इज इक्वल टू हो जाएगी एच के, दैट विल बी 1.2। फॉर्मूला सब कुछ सेम है, सब सेम है, यही सब है, बट ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं एल एस, जब छोटा हो गया था एस डी से, है ना। तो इस केस में मैंने 2s माइनस एक फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला क्या था, 2s माइनस 2 अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच का स्क्वायर अपॉन, पूरा अपॉन नहीं था, यहां से था n, है ना। फिर दो चीजें, एक था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सेम बात, जहां पे हमने h की वैल्यू फिर से 1.2 ली थी और h की मैंने 0.15 ली थी, और जब मैंने OSD की बात करी थी फिर से h की वैल्यू और इज इक्वल टू h की वैल्यू 0.15 ले ली थी, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे जो फॉर्मूले बन के आ रहे थे, मेरे दो अनमोल रतन बन के आ रहे थे, पहला फॉर्मूला जो बन के आ रहा था एल एस इज इक्वल टू था एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4। ठीक है, और इसी ये एस एच डी के कारण आ रहा था, और इसी में जो दूसरा फॉर्मूला था ओ एस डी के कारण वो था एल एस इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6। ये केस वन की बात हो गई। अब मैं जब केस टू की बात कर रहा था, केस टू में जो फर्स्ट फॉर्मूला आ रहा था वो आ रहा था एल एस इज इक्वल टू 2s माइनस 4.4 अपॉन एन, और इसमें जो दूसरा फॉर्मूला बन के आ रहा था एल एस इज इक्वल टू 2s माइनस 9.6 अपॉन। ठीक है, तो ये मेरे फॉर्मूले थे, ये ओएसडी वाला था और ये एसएसडी वाला था। कैसा लगा रिवीजन, जल्दी जल्दी कर दिया, जिनने पढ़ा है उनको सब रिवाइज हो गया होगा, जिन्हें नहीं पढ़ा है उनको रिवाइज नहीं हुआ होगा, उनके लिए मैं माफी चाहूंगा, उनके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। एक और चीज इसमें बता दूं कि जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ले रहे थे तो ई की वैल्यू स्लोप जो लोगे वो जीरो लोगे, है ना, ये चीज बदल गई थी तो मैंने भी बता दी। चलिए, फिर आए थे हम वैली कर्व पे,
वैली कर्व पे आ गए थे। वैली कर्व में मैंने आपसे ये बात करी थी भाइयों कि वैली कर्व में जब उल्टा हो गया, कॉनकेविटी ऊपर की साइड हो गई, ये कॉनकेविटी है, और जब दो पॉइंट मिलते हैं उनको कॉनवेक्सिटी बोलते हैं, और कॉनवेक्सिटी नीचे के साइड हो गई। ठीक है, ठीक है। ओ अरे हाँ, ये गलती हो गई, ये सही बात बोल रहा है, प्लस होगा, गुड। हाँ, ये जल्दी जल्दी बात हुई, मैंने माइनस लिख दिया शायद, है ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बच्चों चेक कर लीजिएगा, नहीं यार यहां माइनस ही होगा दोस्त, यहां प्लस होगा, ये प्लस ही लिखा होगा, ये प्लस ही है दोस्त, यहां माइनस ही है दोस्त। राजकुमार जी एक बार और मैं चेक कर लेता हूं, मैं जहां तक श्योर हूं, हो सकता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो माइनस ही है दोस्त। अगर माइनस है और तुमने राजकुमार गलत बोला, तुम पिटे बेटा, है ना। सही है, प्लस ही है। आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती, मेरी गलती है, ठीक है। तो ये प्लस ही है, माइनस होल कॉमन ले लिया है, इसलिए वहां प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूले सारे हो गए, ये हो गए। अब मैं वैली कर्व की बात कर रहा था। वैली कर्व में मैंने आपको बताया था दो चीजें, दो पैरामीटर मेनली यूज करेगा। पहला करा गया एज पर एच एस डी, एज पर एच एस डी, और सेकेंड वन इज एज पर कंफर्ट, है ना, एज पर कंफर्ट। इसमें जब मैंने एच एस डी की बात करी, जब ये पहला केस लिया, इसमें दो केस आए। एक आया एल एस जब बड़ा है एच एस डी से, है ना, जी हाँ, 9.6 ही आ रहा है, ठीक है। जब बड़ा है एच एस डी से, तब मैंने एक फॉर्मूला आपको निकाल के बताया, एकदम बड़ा खतरनाक वाला फॉर्मूला निकाल के बताया था। वो फॉर्मूला लास्ट एकदम फॉर्मूला बता रहा है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोड़ रहा हूं, है ना, बाकी सब छोड़ के लास्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। दैट विल बी एन एस स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 एस। यही फॉर्मूला था मेरा, था कि नहीं था, एलवी का यही था, यही था फॉर्मूला। अरे वो हो तो गया, अभी तक ही बोल रहे हो क्या, ठीक है, ठीक है, प्लस ही होगा वो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। इसमें दूसरा केस था, दूसरा केस क्या था, जिसमें मैंने एलवी, जब एलवी छोटा हो गया एचएसडी से, तब क्या होगा, जब छोटा हो गया तब क्या होगा, जो एलवी इज इक्वल टू हो जाएगा 2s माइनस कर देंगे, सेम चीज 2s माइनस 1.5 ये ऊपर चला जाएगा, है ना, 1.5 प्लस 0.035 अपॉन, ऐसे है ना, मतलब ये अलग है, अपॉन n। बात समझ में आई कि नहीं आई, जब ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक कंडीशन पड़ी हमने कंफर्ट के लिए, और कंफर्ट के लिए जो मैंने फॉर्मूला निकाला एलबी का, कंफर्ट के लिए जो एलबी का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, 2 into LT, है ना, इसमें मैंने बता दिया एलटी सेम है तभी माना है मैंने, है ना। और एलटी की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो कितनी आ गई थी मेरी, अंडर रूट एन वी क्यू अपॉन सी, है ना। और ये कैसे आई आपको पता है। चलिए तो ये हमने टोटल चीजें अभी तक डिस्कस करी है, कोई यहां तक दिक्कत तो अब नहीं होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करना भी जरूरी है। ये फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया मैंने, लोएस्ट पॉइंट वाला, बताया ना, x इज इक्वल टू मैंने बताया एल वी, ये वाला याद रखना, ये वाला याद रखना, एल वी इंटू मतलब इस ब्रैकेट एन वन अपॉन टू एन की पावर 1/2, बताया ना ये फॉर्मूला, बताया ना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए आप, इस क्वेश्चन कीजिए जल्दी से।
क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है भाइयों? ए बी सी डी में से क्या आंसर है? क्वेश्चन वैली कर्व का है, आईएएस 1999 में आ चुका है, देखते हैं। देखते हैं कितने बच्चे कर पे। बी बी बोल रहे हैं ऋषि, 130 बोल रहे हैं ऋषि जी। इफ अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 25 मीट्स एंड असेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 40, देन द लेंथ ऑफ वैली कर्व रिक्वायर्ड फॉर अ हेडलाइट साइड डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विल बी। चलिए दो बच्चों ने बोला है तो फिर सही ही बोला होगा, गलत तो नहीं हो सकता। ये है आंसर। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, है ना, अभी जाना नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन ये है, एसएसडी दिया हुआ है, एसएसडी मैंने बता दिया है इज इक्वल टू हो जाएगा, बात कर चुका हूं, और क्यों होगा उसको भी बता दिया है ना। यहां पुट कर दीजिए एन एस स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, एन की वैल्यू कितनी हो गई -1/25, ये डिसेंडिंग है और ये क्या असेंडिंग है, तो ये माइनस भी होगा। क्यों होगा, क्यों होगा भैया, नहीं पता है तो ये देख लीजिए, माइनस ये n1 -n2 होता है, ये डिसेंडिंग है इसलिए -n1 हो गया, और ये प्लस ही होगा तो ये माइनस रहेगा, है ना। जिसको समझ नहीं आ रहा है लेक्चर देख लो, समझ जाओगे। चलिए तो ये चीजें हो गई। ठीक है, ये चीजें हो गई, और यहां से आप एल एस की वैल्यू निकाल लो, 130। अच्छा माइनस आया, माइनस आया मतलब कि जो ये एल है वो बड़ा है एसएसडी से, बस यही माइनस, और कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेंथ की वैल्यू है। ठीक है, चलो जिस तरीके से चीजें क्लियर हो गई। छुट्टी, क्या छुट्टी, अभी नहीं है भैया छुट्टी, अभी तो करना है। क्लियर है ये चीज की नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को तो जल्दी पूछो। मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, अभी 10 मिनट का और टाइम है, टेंशन बिल्कुल नहीं है, अभी तो और पढ़ना है। चलिए 130। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, करिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ वैली कर्व। यार एक बहुत बुरी बात लगी मुझे, कल मैंने क्वेश्चन दिया था परसों, सिर्फ दो बच्चों ने मुझे उसके आंसर भेजे और किसी ने नहीं भेजे, बहुत गलत बात है ये, बढ़िया अच्छी बात नहीं है, इसलिए फिर कोई फैकल्टी क्वेश्चन कराती नहीं है ना। आप लोग आंसर भेजते नहीं हो, मैंने बोला था जब दे देना, तो भेजे क्यों नहीं आंसर, भूल गए है ना। तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ वैली कर्व, एल वी निकालना है ना। डिजाइन स्पीड दे के रखिए, डिजाइन स्पीड देके रखी है 80 km/h। ठीक है, और एन की वैल्यू देके रखी है 11/150। ये होमवर्क है, कल इसको चेक करूंगा मैं, इसका आंसर ही मुझे पता है तो इसको कल चेक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कल इसको करके लाइएगा क्वेश्चन को, सब कुछ आपको अपने मन से करना, और कुछ भी नहीं दिया है इसमें, और कुछ भी नहीं दिया है। एक चीज आप एज्यूम कर लीजिएगा कि एल वी बड़ा है एच एस डी से, बस बाकी अब अपने मन से करना है क्वेश्चन को, आप अपने मन से कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है ये। ठीक है, होमवर्क है आपका, कल मैं चेक करूंगा, हो सके तो मुझे फोटो भेज देना आप लोग, तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करो, जहां पे अपन क्वेश्चन डिस्कस करते। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जो गेट में आ चुका है, दे रहा हूं, है ना, टेलीग्राम चैनल सबको पता है, जरा कमेंट कर दो, किसी को नहीं पता है तो पता चल जाएगा। अनुज चौबे PDF, इसमें आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्विज होते रहते हैं, आपको पता है क्विज आज सुबह हुए थे, आई होप एंजॉय किए होंगे आपने।
राजकुमार जी को नहीं पता है टेलीग्राम लिंक? क्या बात कर रहे हैं राजकुमार, जल्दी से जुड़ जाओ। आज कितने क्विज हुए, आज का क्विज कितना एंजॉय किया आप लोगों ने बताओ? मजा आया? मैकेनिक्स का क्विज जो हुआ था, कल का जो क्विज हुआ था वो दिया था कि नहीं दिया था? कल का जो क्विज दिया था कि नहीं दिया था? कल मजा आया कि नहीं आया? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो क्विज हुआ था, जिन्होंने दिया है वो बताइए। टेलीग्राम पर जाके इसको सर्च कर लो, अनुज चौबे पीडीएफ, स्पेस देके इसको सर्च कर लो, नहीं मिले मुझे मैसेज कर देना। सेवन फोर वन फाइव जीरो सिक्स फाइव सेवन थ्री, इस पर मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है, मजा आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देता हूं मैं, ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को करके ही लाना, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। एक बार हो चुका है, सिर्फ दो बच्चों ने आंसर दिया, बहुत गलत लगा मुझे, है ना, इतने बच्चे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है, इतने आसानी से बनने वाला नहीं है क्वेश्चन, दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन ये है, आपको पेमेंट ऑफ विड्थ ऑफ पेमेंट दे के रखी है, और मैं आपको ये इजी करके दे रहा हूं, गेट में घुमा के आया हुआ है। विड्थ ऑफ पेमेंट दे के रखी है 9 मीटर, ठीक है, विड्थ ऑफ पेमेंट दे के रखी है 9 मीटर, और क्राउन की वैल्यू दे के रखी है, क्राउन एंड इट्स क्राउन, बस इतना ही लिखा है, क्राउन की वैल्यू दे के रखी है 7.5 सेंटीमीटर। जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर दिया मतलब उसके कंसेप्ट क्लियर है, जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर दिया उसके कंसेप्ट क्लियर है। क्राउन की वैल्यू देखिए रखिए 7.5 सेंटीमीटर, तो मुझे बता दो कैम्बर कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिन्होंने कर दिया उनको मजा आ जाएगा, बहुत कंसेप्ट चेक हो जाएंगे आपके। कर पाओगे? कैम्बर की वैल्यू बतानी है बस। बताइए हुआ कि नहीं? और भी क्वेश्चंस हैं, देखिए मैं क्वेश्चन कराने में बहुत बिलीव रखता हूं, आप देखते हैं मैं कितने क्वेश्चंस लाता हूं रोज आपके लिए। क्वेश्चन में इसलिए बिलीव रखता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन से ही आप चीजों को सीखते हैं, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन कीजिए, विड्थ ऑफ पेमेंट देके रखी है आपको 9 मीटर, क्राउन की वैल्यू देके रखी है, और पूछा है कैम्बर कितना होगा, बताइए जल्दी। बताइए कितना होगा कैम्बर बेटा? यशवंत कुमार टीचिंग इंग्लिश, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैम्बर इफ यू हैव विड्थ ऑफ पेमेंट दैट विल बी अ 9 मीटर, एंड क्राउन क्राउन वैल्यू विल बी अ 7.5 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ कैम्बर। आई होप यू नो दैट वॉट इज कैम्बर, ओके? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैम्बर इफ यू हैव विड्थ ऑफ पेमेंट एंड क्राउन वैल्यू, ओके? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड इट विल वेरी 1/120 रॉन्ग। राजकुमार जी गलत हैं आप, जब मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है तो इतना आसान तो नहीं होगा फॉर श्योर, बट एटलीस्ट ट्राई करने के मिलते हैं, मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है? यो यशवंत जी, यश यशवंत, यस यशवंत जी, प्लीज अटेम्प्ट वन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट, वेरी गुड क्वेश्चन, इट विल बी अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड आई होप 1/120 इज द रॉन्ग आंसर, 0.47 नहीं, ओके अब मैं बताऊं हो गया, मैं बताऊंगा, कोई और करना चाह रहा है? एनीवन, कोई और बच्चा जो करना चाहता है तो जल्दी बता दीजिए, और ये क्वेश्चन जब हो जाएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो,
इफ यू लाइक माय लेक्चर, माय मेथड्स, माय कॉन्सेप्ट्स, माय वे ऑफ टीचिंग, इफ यू लाइक इट देन लाइक द वीडियो, ओके, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. चलिए 1/16, सो क्लोज बट राजकुमार गलत है. 75, सीधा 75, सभी गलत है, किसी का आंसर नहीं आया. अब मैं बताता हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो क्या मिलने वाला है मुझे, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो हर एक दो ग्रुप में आप ये वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है, ये आपका टारगेट है, ठीक? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो. चलिए क्वेश्चन देखिए, ठीक है बेटा, ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुंच पाए, उनको बोलिएगा ये क्वेश्चन करके बताए. किस किसने डायग्राम बनाया था ये बताओ, पहले तो ये बताओ किस किसने डायग्राम बनाया था. बनाया ये मुझे दिए 9.5 मीटर. मैं बार बार बोलता हूं गेट में क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार के, क्यों? क्योंकि ये तीन लाइन से बड़ा क्वेश्चन नहीं है. तीन लाइन में इस क्वेश्चन को कर दूंगा, तीन लाइन में इस क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है. देखिएगा ये क्राउन है, ये कितना हो जाएगा 4.5 मीटर हो जाएगा, ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है. बस यही तो चाहिए थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 4.5 × 100. टेन थीटा इज इक्वल टू 1/60. अच्छा नाइन था क्या, सॉरी तो भाई, तो भी तो, अरे यार ये ले, नाइन ही तो है, ले ले, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया. अब बोलो, मेरे को लगा कि इनको एक्सक्यूज मिल गया करने का, है ना, नाइन ही है वो 4.5 है. अब बोलिए कैसा लगा क्वेश्चन, अटेम्प्ट किया उसके पूरे मार्क्स, लेकिन आंसर हमारा सही नहीं हुआ. देखिए यहां नहीं हुआ तो गेट में भी आप यही गलती करते और आप माइनस नेगेटिव मार्क घर लेके जाते, ठीक है, ठीक है. सब आपके सामने लिखा है, वही किया है, कोई दिक्कत. कितने 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 लाइन लगनी, एक लाइन, दो लाइन में क्वेश्चन, यही ही है. अच्छे लगे क्वेश्चन, अगर आप इसी प्रकार के और क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए, मुझे लगे कि आपको चाहिए. नहीं तो बच्चे कंसेप्ट ज्यादा कि यार क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, क्वेश्चन हम बुक में मिल जाते हैं, आप कंसेप्ट पढ़ा दो. बहुत से बच्चे ये बोलते हैं, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है बेटा, कंसेप्ट आप कितने भी पढ़ लो, मैं एक बार बोल चुका हूँ, आप पूरी चैप्टर पढ़ के चले जाना, 100% जितना गेट में आता है सारे कंसेप्ट पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन मत लगाना, आपसे गेट का कट ऑफ भी नहीं निकलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ. जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आप उस कंसेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है. तो मजा आया क्वेश्चन में, गलत हो गया कोई बात नहीं, और करना है, और करना है कि छुट्टी कर दें, और करना है क्वेश्चन, मजा आ रहा है, और करना है क्वेश्चन कि अब बोर हो गए तो जाएं, अगर बोर हो गए तो चलते हैं हम घर खेलते, घर घर जाते हैं, छुट्टी करते हैं, और करना है. एक बोल रहे बोला छुट्टी कर दो, बाकी बोल रहे करना है. एक बात और सर, क्रिकेट खेलने जाना. देखिए इस सैटरडे हर सैटरडे मैंने, जैसे कि अपन ने तीन सिस्टम बना के रखे हैं अभी तक सबको पता है, ध्यान से सुन लो एक चीज, और एक चीज ध्यान से सुन लो, हर किसी को पता है ये चीज, सब किस किस को नहीं पता है ये चीज, मैं अपना टाइम टेबल बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता है एक बार देख लो, है ना. देखो हमारा टाइम टेबल ये होता है, हर दिन 2:30 बजे हम मिलते हैं यूट्यूब पर, ठीक है. एक चीज इसमें ऐड कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ये मत बोलना कि अरे यार सर 50 बार बता चुके ये चीज, है ना. तो हर दिन 2:30 बजे हम यहाँ मिलते हैं, आपको पता है, सिर्फ एक दिन छोड़ के, वो दिन है मंगलवार, जैसे कल नहीं मिले थे, अभी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसके बाद सॉइल या एनवायरो पढ़ाऊंगा तो वो भी. तो हर दिन 2:30 बजे यहाँ मिलते हैं, उसके बाद शाम को 6:30 बजे यूट्यूब क्लास होती है, सबको पता है. हर संडे सुबह 10:30 बजे हमारा क्रैश कोर्स होता है, जिसमें एक स्पेशल वीडियो आता है, ठीक है, ठीक है. हर संडे प्रीवियस जो हमारा जो प्रीवियस का बोल रहा हूँ, एक स्पेशल टॉपिक आता है सुबह 10:30 बजे यूट्यूब पर. हर मंगलवार होता है क्विज डे, आपको पता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. इसमें मैंने एक चीज ऐड कर दी है, सैटरडे को मैंने क्या ऐड किया है, यूट्यूब पर सैटरडे को मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा,
ढाई बजे ही लेक्चर रहेगा, लेकिन इसमें मैं प्रीवियस ईयर्स के जितने अपन ने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, जैसे इस वीक में अपन जितना भी पढ़ लेंगे, जितना भी पढ़ा है, समिट कर, वैली कर पढ़ा है, वाइडनिंग पढ़ ली है, अभी मटेरियल पढ़ेंगे, फिर पेमेंट डिजाइन पढ़ेंगे, सैटरडे तक जितना पढ़ लेंगे, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, गेट, जेई, पीएससी, जो भी स्टेट पीएससी एग्जाम होती है, एमपीपीएससी, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, जो भी है वो, और इंजीनियरिंग सर्विसेज, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस सैटरडे को 2 घंटे में वो सॉल्व करेंगे। तो इसको अपने टाइम टेबल में मैं ऐड कर रहा हूँ, हर सैटरडे 2:30 बजे आपको मिलूंगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ 2 घंटे कंटिन्यू। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इस प्रकार से हमने जियोमेट्रिक डिजाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है, कुछ नहीं बचा है जियोमेट्रिक डिजाइन में, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अरे हाँ यार, ये एक क्वेश्चन बच गया था यार दोस्त, यार एक ही क्वेश्चन बच गया है यार, चले गए यार। एफएम को इसकी टाइम बढ़ा दीजिए, सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ा दूंगा टाइम। चलो एक और क्वेश्चन करना है, अभी एक और क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन तो इतने कराऊंगा कि जाते जाते आपसे इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आप लोग बोलेंगे बाप रे सर, अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए फटाफट, उसके बाद पक्का खत्म कर देंगे लेक्चर को। ये एक बुक से लाया हूं, मेरी फेवरेट बुक है, जो हाईवे की बुक से है, मेरी फेवरेट बुक है वो हाईवे की, आपको बता दूंगा, आप भी उसी से पढ़ लेना अगर बुक चाहिए तो। वैसे मेरे नोट सफिशियंट है, बट मेरी जो बुक फेवरेट है मैं उससे क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। और एक बात, आज जो होमवर्क दिया अगर वो कल नहीं हुआ, जितने बच्चे लाइव हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऋषि, राजकुमार, मिनी और जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, अगर उनसे कल ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, गलत तो गलत, सही तो सही, या आज शाम तक दे दोगे तो और अच्छी बात है, तो उसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं भी बाकी टीचर्स की जगह मैं कंसेप्ट करा के निकल जाऊंगा, क्यों मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूं जब आप लोग मेहनत चाहते नहीं हो, है ना? तो मुझे उसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मिनी, यही वाली बुक है, सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी जो भी हैं डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे अगर किसी के बचे हैं तो। एक वैली कर्व है, फॉर्म्ड हो रहा है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया है 1:25 मीटिंग एंड असेंडिंग ग्रेडियंट 1:30। ठीक है, डिजाइन द लेंथ ऑफ वैली कर्व टू फुलफिल बोथ कंफर्ट कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन की दोनों जो कंडीशन है उनको फुलफिल करना है, एंड हेड लाइट साइड डिस्टेंस दी हुई है 80 km/h। डिजाइन मतलब हेड लाइट साइड डिस्टेंस निकालनी है 80 km/h डिजाइन स्पीड के लिए। एज्यूम अलाउबल रेट दिया हुआ है, सी की वैल्यू दी है 0.6 m/s³, है ना ठीक है। तो जल्दी से इसका निकाल दीजिए आंसर, बता दीजिए मुझे क्या है आंसर, तो फिर सही रहेगा। क्या आंसर आ रहा है? और जो होमवर्क दिया है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर लेक्चर पसंद आया तो सभी बच्चे एक एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है ना? जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कंफर्ट से निकाल दिया राजकुमार जी ने 73.24, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कंफर्ट से दोनों कंडीशन है ना, कंफर्ट से चले, ठीक है, कितना आ गया 73.24। हेडलाइट से बताओ, हेडलाइट से कितना आ रहा है? ऐसा करना था, एक से बोलता कंफर्ट से निकालो, एक से बोलता हेडलाइट से निकालो, है ना? चलिए मैं करना चालू कर रहा हूँ, आप लोग जब तक कर लीजिए, देखते हैं सही है कि नहीं। देखो एन की वैल्यू निकाल दी, ये डिसेंडिंग था, ये असेंडिंग था, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वी की वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू दी हुई है, चलिए ये निकाल लिया वी से पूरा। चलिए अब मैं कर रहा हूँ कंफर्ट कंडीशन पे जा रहा हूँ, एल वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला 2 nvq/c√a, तो इससे आ रहा है इतना
73.24, बिल्कुल सही है, सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट करी। लेकिन जब हेडलाइट साइड स्ट्रेंथ पे जाओगे तो वहां एसएसडी निकालना पड़ेगा। एसएसडी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं क्या होता है, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, याद है कि नहीं याद है, kmph में है वैल्यू, क्या पुट कर दो। चलिए वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकाल लो, इसको मैंने पहले ही चेंज कर लिया 0.278 में है ना। चलिए तो ये निकाल के और यहां से ये फॉर्मूला रख के एल की वैल्यू आ रही है 200 के अप्रोक्स, आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है हेडलाइट से। तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चंस हो गए। किसी को दिक्कत है इन क्वेश्चंस में, अगर आपने मेरा लेक्चर पूरा देखा है तो दिक्कत नहीं होगी फॉर श्योर। सिर्फ फॉर्मूले पुट किया है, एन की वैल्यू 11y 150, एस की वैल्यू पुट करी 1.5 एज इट इज और एस की वैल्यू पुट करी, ठीक है। तो इस तरीके से यह आंसर आ गया, ठीक है। हेड से 69 मीटर, क्या बात कर रहा है, कुछ गलती कर दी है दोस्त, चेक करो। एस एच डी कितना आया चेक करो, गलती कर दी है, कुछ गलती करी है आपने, चेक करो क्या गलती करी है, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना आ रहा है, 127 आ रहा है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चेक करो 127 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार चेक करो आंसर ये आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो मैं करा दूंगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो कुछ, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं, जो लेके आ रहा हूं और लेके आता रहूंगा, हर सैटरडे भी लाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप करते रहिए क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन भी कर लीजिए, और आज मैंने कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, ठीक है। हो गया क्वेश्चन की नहीं हुआ, जल्दी बताओ। अरे सीधा फॉर्मूला तो पुट करना है, एल वी एन वी क्यू अपॉन सी, 0.15 कंसीडर किया। चलो ये चीज और बता देता हूं, यहां पे बच्चे गलती कर रहे हैं, देखिए क्या गलती कर रहा है। चलो ये चीज अच्छी याद दिलाती, ये चीज और बता दूं, जो चले गए हैं वो एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। एक बात बताओ, इस तरीके से जा रहा है तो ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है, उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आएगा कि लैटरल आएगा, बेटा लॉन्गिट्यूडनल आएगा। यहां बच्चे गलती करते हैं, हमेशा याद रखिए 0.35, बात समझ गए, हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और फ्रिक्शन भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब उसी के अलोंग लग रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की मिनिमम वैल्यू हमेशा ले लिया करो 0.35, इंपॉर्टेंट। जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, याद रखिएगा कहां लेटरल यूज करना है, कहां लॉन्गिट्यूडनल, उसी के अलोंग बात हो रही है, उसी के अलोंग बात हो रही है, तो 0.35 लीजिए, है ना। और 2 क्यों लिया, 2.5 लेंगे ना बेटा, 2 क्यों, SSD की बात हो रही है ना कि OSD की, तो 2.5 लेंगे। बता चुका हूं 2.5 कब लेना है, 2 कब लेना है, 0.7 कब लेना है, प्रीवियस वीडियोस देखो फटाफट, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जाने का वक्त हो गया है, कल जो होमवर्क दिया है करके आइएगा, टाइम पे आ जाइएगा 2:30 बजे। अभी शाम को 6:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास है, प्लीज उसमें उपलब्ध हो जाइएगा, टाइम पे आइएगा, क्विज है 1 घंटे का, 1 घंटे के क्विज में जरूर आइएगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ बाय बाय। सर क्वेश्चंस दिया तो होमवर्क, और क्वेश्चन करना है सर, क्वेश्चंस क्या क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो, अच्छा क्वेश्चन होमवर्क वाला फिर से दिखा दीजिए, वाह वाह लिखा ही नहीं, मतलब ये है होमवर्क वाला, हाँ भैया ये था होमवर्क वाला क्वेश्चन। एल वी निकालना है, एज्यूम करना है एल वी इज ग्रेटर देन एच एस डी, और डिजाइन स्पीड देख रखी है 80 km/h,
एन की वैल्यू देख रखी है 11/150, ये एन की वैल्यू देख रखी है। वी वी डिजाइन स्पीड देख रखी है 80 km/h, और ये कंडीशन करना है, ठीक है। जैसे नहीं भी दिखे तो वीडियो को पीछे करके देख लेते, चलिए ठीक है, बाय बाय, शाम को मुलाकात करते हैं, फिर 6:30 बजे मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको लिंक मिलती रहे, है ना। अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप चैनल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैंने अपना बता दिया, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी को कोई भी क्वारीज हो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शाम को मुलाकात होगी 6:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, कल फिर से 2:30 बजे पुनः आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा हाईवे मटेरियल पेमेंट मटेरियल के साथ शुरुआत करेंगे कल से। इसी के साथ शुक्रिया, कल फिर से मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर।